हेलो एवरीवन, वेलकम टू उल्टा डिज़ाइन। माय नेम इज़ सनी। आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ आई परसेप्शन की। आप इसको आई परसेप्शन भी बोल सकते हैं, विजन परसेप्शन भी बोल सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर एक एग्जांपल के साथ। इस इमेज के अंदर जो आप सबसे पहला वाला देखेंगे ए नंबर, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें जो ये पर्सन है जिसका ड्रेस पूरा ब्लैक है, ये आपको थिनर लग रहा है। अगर आप बी से कंपैरिजन करेंगे, बी इज लुकिंग पोर्टली, मतलब थोड़ा फैटी सा लग रहा है आपको। सी, इसमें क्या है, इसका जो ड्रेस में है वो पूरा स्ट्रेट लाइन है और वो वर्टिकली लाइन है, तो जिसकी वजह से ये आपको टॉलर दिख रहा है। और डी, इसमें क्या है, इसमें इसका जो ड्रेस के अंदर जो लाइंस है वो हॉरिजेंटली कर दिया है, तो उससे क्या हुआ, ये वाइडर दिख रहा है। लास्ट वन इज ई, उसके अंदर क्या है, इसमें इसको डायगनली आप या ब्लॉक्स के अंदर कर सकते हैं, इससे क्या है, ये वाइडर भी दिख रहा है और ये टॉलर भी दिख रहा है। तो ये आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ हम लोग डिज़ाइनिंग में भी करते हैं, कहीं कोई वॉल या आपको कुछ दिखाना होता तो स्ट्रिप लाइंस का डिज़ाइन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं दो रूम जो सेम साइज़ के हैं बट वो आपको डिफरेंट लग रहे हैं इन साइज एंड इन फॉर्म। इस वाली इमेज के अंदर अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या है कि जो ब्लैक एरिया है हमारा वो स्मॉलर लगता है वाइट एरिया से। रीज़न क्या है, ब्लैक जो पार्ट रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को और जो वाइट पार्ट रहता है वो स्प्रेड कर देता है लाइट को। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लगभग ऐसा फील करेंगे, दूर से देखेंगे तो 30% का डिफरेंस आ जाता है दिखने में। इस इमेज के अंदर आप नोटिस करेंगे तो ए और बी जो ये दोनों लाइन है आपको डिफरेंट लग रही है साइज़ के अंदर, बट एक्चुअली दीज बोथ लाइन आर सेम इन साइज। ये डिफरेंस क्यों लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये एरो, जिसके अंदर एरो है, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो जो इनवर्ड एरो आ रहा है वो लाइन को ब्रॉडर दिखा रहा है और जो आउटवर्ड एरो आ रहा है वो आपको छोटा दिखा रहा है लाइन को। इसी के नीचे एक और डायग्राम है जिसमें आप देखेंगे कि ए और एफ और एफ और डी दोनों सेम है बट लग नहीं रहे। इस इमेज के अंदर आप देखेंगे तो जो सर्कल ए है सराउंडेड बाय स्मॉलर सर्कल्स, उसमें ये ए वाला सर्कल बड़ा लग रहा है और जो ए दूसरा वाला है जिसमें सर्कल्स बड़े उसके सराउंडेड में वो छोटा लग रहा है। तो ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस इमेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें ये लाइंस आपको पैरेलल नहीं लग रही है, बट एक्चुअली दिस लाइन आर पैरेलल। ये किस लिए पैरेलल नहीं लग रही है, जो इसमें ऑब्लिक हैच हुआ है इसकी वजह से। तो ये एक टेक्निक होती है इस तरीके का, एक इल्यूजन क्रिएट करने का। इस इमेज के अंदर देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट साइज के लग रहे हैं बट एक्चुअली दे आर बोथ आर सेम, वो पर्सपेक्टिव की वजह से अलग लग रहे हैं। तो पर्सपेक्टिव अगर आपने पढ़ा हो 1.2.3 पर्सपेक्टिव तो शायद आप इसको समझ पाएंगे, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आने वाली क्लासेस में पढ़ा दूंगा। आपकी स्क्रीन पे जो आप इमेज दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है ग्रे कलर के अंदर और दो बैकग्राउंड हैं ग्रे और ब्लैक। तो जैसे ही इसको सेपरेट करते हैं तो जो ये सर्कल है सेमी सर्कल में जब कन्वर्ट होता है तो दोनों का कलर ऐसा लगता है, मतलब ये एक इल्यूजन लगता है, परसेप्शन है कि दोनों का कलर डिफरेंट लगता है। तो ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका है, उनका नाम है आई गेस कर्ट कॉफर करके समथिंग, ऐसे कुछ नाम है, नाम याद नहीं है। तो उनका ये था। तो आपने आज की वीडियो में देखा कि ये सारे परसेप्शंस वगैरह जो आई परसेप्शन विजन परसेप्शन कह सकते हैं, इनको यूज़ करके हम लोग अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और पेंटिंग के अंदर भी, वॉल पेंट, रूम पेंट के अंदर सॉरी, बहुत अच्छा यूज़ होता है। मैं एक बार वो भी आपको शो करता हूँ स्लाइड, हाउ पेंट कैन चेंज योर रूम। आप देखिए, इसमें ऑब्जर्व करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इमेज से ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी रूम को वाइडर किया जाता है या कैसे किसी को किसी वॉल को हाईलाइट करना है या किसी को टॉलर रूम दिखाना है, मतलब
आप कंपैरिजन कर सकते हैं, एक साथ आपके इमेज में एक सारी इमेजेस आ रही हैं। मैं एक बार सेपरेट सेपरेट कर देता हूँ ताकि और थोड़ा विजुअलाइज हो जाए प्रॉपर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आई होप आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।